बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 148 और हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8th का चैप्टर 9, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कर रहे थे, कल हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन सीखा था। ठीक है, सो आज हम मोनोमियल का बायनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे? तो आपको जो मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल को बायनोमियल से, तो कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा। सो आप ध्यान से देखना कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है एक मोनोमियल, ठीक है, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ बायनोमियल, ठीक है, मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सो देखो, मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल होता है जैसे ये 3x, 3x मोनोमियल है, तो बायनोमियल मतलब दो नंबर वाला, ठीक है। सो 5y प्लस 2, मोनोमियल क्या है? 3x, और ये बायनोमियल दो नंबर वाला हुआ, ठीक है। सो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सो 3x मल्टीप्लाई 5y प्लस 2, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हुआ ना, जब कोई भी साइन नहीं हो मतलब मल्टीप्लाई हुआ। अब आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैसे? इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। सो 3x को 5y से कर, प्लस 3x को 2 से करेंगे, ठीक है। देखो 3 5 जा 15, एक्स वाई जा एक्स वाई, 3 5 जा 15, एक्स वाई जा एक्स वाई, प्लस 3 2 जा 6x, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने मोनोमियल को बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। 3 5 जा 15, एक्स वाई, 3 2 जा 6x, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इसी की जगह अगर माइनस की साइन होती, सपोज इसी की जगह कौन सी साइन होती? माइनस की। सो सपोज साइन है माइनस 3x माइनस 5y प्लस 2, सपोज ये है, तो क्या करेंगे? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। सो माइनस 3x मल्टीप्लाई माइनस 5y प्लस माइनस 3x मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सो क्या करेंगे? 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस, एक्स वाई जा एक्स वाई, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6x, ठीक है। 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो 15xy प्लस माइनस माइनस 6x, ठीक है। सो इस तरह से 15xy माइनस 6x होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थ्री पी के साथ 4p² प्लस 5p प्लस 7, ठीक है। सो ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करो, पहले इसको इसके साथ करेंगे। सो ये देखो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। तो 3p मल्टीप्लाई 4p² प्लस 5p प्लस 7, ठीक है। सो 3 4 जा 12, p² जा pq, ठीक है। 3 4 जा 12, p² जा pq, प्लस 3 5 जा 15, p जा p² प्लस 3 7 जा 21, पी का पी। क्या किया देखो, करा क्या हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ किया, और फिर इसको इसके साथ किया, ठीक है। तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये फाइनल आंसर मिला, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इवेल्युएट, तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हम एक एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल 5 है आपकी एनसीईआरटी में, ये है पेज 145। सो एग्जाम्पल 5 है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड इवेल्युएट देम एज डायरेक्ट, ठीक है।
आपको ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड, इसको सिंप्लीफाई करना है, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है और इवेल्युएट करना है. मतलब सिंप्लीफाई मतलब इनको पहले सुलझाना है, मतलब पहले इसको सॉल्व करो और इसके बाद इवेल्युएट. देखो एग्जांपल फाइव में आपको एक एक क्वेश्चन में दो काम करने बोले हैं, एक क्वेश्चन में दो काम. कैसे दो काम फिर से समझाती हूँ. क्या करना है आपको, पहले आपको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स वगैरह हैं, वो सारी सॉल्व करो और इवेल्युएट करो. इवेल्युएट मतलब आंसर भी फाइंड करो. पहले इसको सिंप्लीफाई करो और फिर इसका आंसर भी फाइंड करो. ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ ब्रैकेट, ये सारा सॉल्व करके फिर आपको इवेल्युएट भी करना है, आंसर भी लिखना है. भाई एक्स इज इक्वल टू वन के लिए क्या, वाई इज इक्वल टू माइनस टू के लिए क्या. ठीक है, सिंप्लीफाई करो और फिर इवेल्युएट, दो काम करने हैं. ठीक है, सो करते हैं एग्जाम्पल फाइव. तो बच्चों देखो एग्जाम्पल फाइव सिंप्लीफाई द एंड इवेल्युएटेड का, इसको हम जब इवेल्युएट करेंगे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो देखो x x माइनस थ्री प्लस टू फॉर एक्स इज इक्वल टू वन, पहले इसको इवेल्युएट करो. सो पहले इसको सिंप्लीफाई करो. सो x x माइनस थ्री प्लस टू है. ठीक है, सो इसको पहले आप ठीक करके लिखो. सो x x जा x स्क्वायर. ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x को 3 से करोगे. ठीक है, x को x से और x को 3 से प्लस 2. ठीक है, सो x x जा x स्क्वायर माइनस x 3 जा 3x प्लस 2. ठीक है, सो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 करेंगे. सो यहाँ x की जगह आपको क्या डालना है, 1. ठीक है, x की जगह 1 है तो x की जगह 1 डाल दो. सो क्या करोगे, यहाँ x की जगह 1 डालो. वन का स्क्वायर, वन वन जा वन, माइनस थ्री वन जा थ्री प्लस टू. प्लस माइनस माइनस, थ्री में से वन गया टू, साइन बड़े की, थ्री देखो बड़ा है, साइन माइनस की, माइनस टू प्लस टू. टू माइनस टू क्या होगा, जीरो. सो एक्स की जगह वन रखा तो आंसर क्या आएगा, जीरो. पहले आपने क्या किया, पहले सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करना क्या होता है, पहले इसको ठीक करके लिखा x x माइनस थ्री. तो बोर्ड मास का रूल होता है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व. सो ब्रैकेट कैसे सॉल्व की, मैंने अभी अभी सिखाया. ब्रैकेट कैसे सॉल्व की जाती है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, x x जा x स्क्वायर, x 3 जा 3x. अगर आपको फा जाता है ना तो डायरेक्ट ये स्टेप से अब ये स्टेप लिखने लगना. ठीक है, ये स्टेप एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया है, पर अभी आप नए नए हो तो पहले आप ये भले डिटेल में लिखो, ये इसके साथ, ये इसके साथ. ठीक है, सो दोनों के सामने ब्रैकेट होती है ना, तो ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा. ठीक है, लड्डू सब में बटता है, ये लड्डू है, ये लड्डू है, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा. ठीक है, सो यहाँ देखो x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू. अच्छा, अब x इज इक्वल टू वन रखना है, यहाँ आपको x की जगह वन रखना है, यहाँ x की जगह वन रखना है. ठीक है, सो इसको सॉल्व करोगे और आंसर आएगा आपका जीरो. ठीक है, सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल फाइव. ठीक है, सेकेंड थ्री वाई टू वाई माइनस सेवन माइनस थ्री वाई माइनस फोर माइनस सिक्सटी थ्री फॉर वाई इज इक्वल टू माइनस टू. ठीक है, सो ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व करनी है आपको, फिर वाई इज इक्वल टू माइनस टू पे सॉल्व करना है. ठीक है, सो आंसर थ्री वाई टू वाई माइनस सेवन माइनस थ्री वाई माइनस फोर माइनस सिक्सटी थ्री. ठीक है, क्या करोगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ भी. ठीक है, थ्री वाई टू वाई जा माइनस थ्री वाई सेवन जा. ठीक है, तो इस तरह से इसको इसके साथ भी करोगे, इसको इसके साथ भी. ठीक है, सो इसी तरह से माइनस थ्री को वाई से करो, माइनस थ्री को वाई से और माइनस थ्री को माइनस फोर से, माइनस सिक्सटी थ्री. ठीक है, सो थ्री टू जा सिक्स, वाई वाई जा वाई स्क्वायर, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन. ठीक है, माइनस थ्री वाई जा थ्री वाई, माइनस माइनस प्लस, थ्री फोर जा ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व, माइनस सिक्सटी थ्री. ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इनको करो ठीक, इनको ठीक करो. ठीक है, ये सम बहुत आपके लिए अच्छा सम है, मतलब यहाँ पे देखो इस सम में सब कुछ है. ये सम आपको देखो ये पूरा आपको सॉल्व करना है ना. सो इसमें देखो पहले तो आपने प्रोडक्ट वाला रूल लगाया कि भाई ब्रैकेट सॉल्व करी, तो ब्रैकेट सॉल्व की ये इसके साथ किया, ये इसके साथ किया.
ठीक है, सेम ये इसके साथ किया, ये इसके साथ किया। आप यहाँ ध्यान दो, आपने माइनस थ्री को y से भी मल्टीप्लाई किया, माइनस थ्री को माइनस फोर से भी मल्टीप्लाई किया। देखो, सो थ्री वाई जा थ्री वाई, थ्री फोर जा ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो इस सम में आपको सब वैरायटी पूरी मिल गई है, ठीक है, मतलब आप समझो। और ये सिंप्लीफाई वाले सम्स के जो वेटेज होता है, मार्क्स होता है, वो भी हाई होती हैं। तो यहाँ देखो, आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। सो सिक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ट्वेंटी वन प्लस थ्री क्या होगा, ट्वेंटी फोर। सो माइनस ट्वेंटी फोर वाई प्लस प्लस माइनस माइनस, सिक्सटी थ्री में से ट्वेल्व गए। सो सिक्सटी थ्री में से ट्वेल्व गए तो क्या होगा, सिक्सटी थ्री में से ट्वेल्व गए, थ्री में से टू गया वन, सिक्स में से वन गया फाइव, सो फिफ्टी वन, ठीक है। सो माइनस फिफ्टी वन, सो सिक्स वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर वाई माइनस फिफ्टी वन, ठीक है। सो ये अब आपको y इज इक्वल टू माइनस टू के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। सो फॉर y इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, सो सिक्स y की जगह माइनस टू डालो, y की जगह माइनस टू डालो और माइनस फिफ्टी वन, ठीक है। सो टू का स्क्वायर फोर, माइनस माइनस प्लस, सो फोर माइनस माइनस प्लस, ट्वेंटी फोर टू जा फोर्टी एट, माइनस फिफ्टी वन, ठीक है। फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, प्लस फोर्टी एट माइनस फिफ्टी वन, ठीक है। तो इन दोनों का प्लस करो, ट्वेंटी फोर और फोर्टी एट का, फोर और एट ट्वेल्व, फोर फाइव सिक्स सेवन, सो सेवेंटी टू माइनस फिफ्टी वन, ठीक है, ट्वेंटी वन, ठीक है। सो ये 21 होगा। सो इस तरह से ये सेकेंड नंबर सॉल्व होगा, ठीक है। कैसे किया, सिंपली जो ये y की जगह आपने माइनस टू डाल दिया, ठीक है। तो माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, माइनस टू का स्क्वायर मतलब माइनस टू दो बारी, माइनस टू को दो बारी मल्टीप्लाई करना है। देखो, माइनस टू का स्क्वायर मतलब माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, टू टू जा फोर, माइनस माइनस प्लस, ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये आया माइनस माइनस प्लस, ट्वेंटी फोर टू जा फोर्टी एट, ठीक है। सो इस तरह से है, ठीक है। माइनस टू का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, टू टू जा फोर, ठीक है। सो दिस वॉज योर आंसर, सेकेंड नंबर है ये आपका, ठीक है। सो इस तरह से आपको सम्स करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा टफ हो गया मेरे ख्याल से, मैं आपको अब एक्सरसाइज कराती हूँ। एग्जाम्पल्स हैं और भी, पर मैं थोड़े से इजी एग्जाम्पल्स आपको एक्सरसाइज में थोड़े इजी क्वेश्चंस कराती हूँ, तो आपको पता लगे कि ये इजी है, इतना टफ नहीं है। सो हम एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन वन देखो, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट वाला है 4p, q plus r, ए बी कॉमा ए माइनस बी। तो यहाँ आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन वन करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन वन में आपको क्या करना है, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस। फर्स्ट 4p कॉमा क्यू प्लस आर, ठीक है। सो कॉमा है, सो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो 4p कॉमा मतलब मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो, ये बायनोमियल है तो इसको ब्रैकेट में लिखो। तो देखो 4p को इससे भी मल्टीप्लाई करो, 4p को इससे भी करो, सो 4p मल्टीप्लाई क्यू प्लस 4p मल्टीप्लाई आर, सो 4p क्यू प्लस 4p आर, ए बी ए माइनस बी कॉमा ए माइनस बी, ठीक है। कॉमा की जगह मल्टीप्लाई ए माइनस बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। सो देखो, ए ए जा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी बी जा बी स्क्वायर,
ठीक है। सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये पता नहीं क्यों फिर भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। आप स्टेप वाइज जाओ ना, स्टेप वाइज जाओगे तो कहाँ से मिस्टेक होगी। पहले देखो ये क्यू प्लस आर था, बायनोमियल है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे तो ये इसके साथ, ये इसके साथ होगा, ठीक है। सो ये ए बी है, सो ए बी ब्रैकेट में होगा, सो ए बी ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। सो इस तरह से आप थोड़ा सा ट्रिक के साथ जाओ। अभी हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है ए प्लस बी सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ये बायनोमियल है, ये दो टर्म्स हैं, सो ये कॉमा है, ठीक है। सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ए प्लस बी मल्टीप्लाई सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, ठीक है। सो ए को इससे मल्टीप्लाई करो और बी को इसके साथ करो, सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके साथ, सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ देखो a को सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए जा ए क्यूब, सेवन ए क्यूब बी स्क्वायर, सेवन ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर जा बी क्यूब, ठीक है। ए स्क्वायर ए जा ए क्यूब, सेवन ए क्यूब बी स्क्वायर, बी बी स्क्वायर जा बी क्यूब, सेवन ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। सो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने जैसे बोला था सेवन ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस सेवन ए स्क्वायर बी क्यूब। सो ये हुआ हमारा थर्ड नंबर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं हमारा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर ए स्क्वायर माइनस नाइन कॉमा फोर ए। सो आपको आंसर ए स्क्वायर माइनस नाइन कॉमा मतलब मल्टीप्लाई फोर ए, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, ये देखो ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। ये बायनोमियल है, ये मोनोमियल है, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। सो ए स्क्वायर को फोर ए से करोगे, माइनस नाइन को फोर ए से करोगे, सो फोर ए स्क्वायर ए जा ए क्यूब, सो फोर ए क्यूब माइनस नाइन फोर जा थर्टी सिक्स ए, ठीक है। ए स्क्वायर ए जा ए क्यूब, फोर ए क्यूब माइनस नाइन फोर जा थर्टी सिक्स ए, ठीक है। सो ये हुआ फोर्थ नंबर। अब फिफ्थ देखो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी कॉमा जीरो, ठीक है। तो क्या करोगे, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी कॉमा मतलब मल्टीप्लाई जीरो, ठीक है। होल मल्टीप्लाई जीरो तो क्या होगा, जीरो, ठीक है। सो ये हुआ फिफ्थ नंबर, ठीक है। सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज योर क्वेश्चन वन। अब देखते हैं क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू है आपका कंप्लीट द टेबल। आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, कंप्लीट द टेबल, ये वाली, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। सो हम इसको एज ए सम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। देखो यहाँ ट्रायनोमियल भी है, बायनोमियल नहीं, ट्राय, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। सो करते हैं क्वेश्चन टू। Complete the table. First, देखो A है और A को किससे multiply करना है, B plus C plus D से, B plus C plus D, ठीक है। So A bracket में B plus C plus D, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। So A B जा plus A C जा plus A D जा, ए बी जा ए बी प्लस ए सी जा ए सी प्लस ए डी जा ए डी, ठीक है। सो ये हुआ क्वेश्चन टू का फर्स्ट। सेकेंड देखते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस फाइव, फाइव एक्स वाई, एक्स प्लस वाई माइनस फाइव, फाइव एक्स वाई, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, ठीक है। सो x मल्टीप्लाई फाइव एक्स वाई प्लस y मल्टीप्लाई फाइव एक्स वाई माइनस फाइव मल्टीप्लाई फाइव एक्स वाई,
एक्स एक्स या एक्स स्क्वायर, ठीक है. सो फाइव एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई वाई या वाई स्क्वायर, ठीक है. फाइव एक्स वाई स्क्वायर माइनस फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एक्स वाई, ठीक है. एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर, सो फाइव एक्स स्क्वायर वाई, वाई वाई जा वाई स्क्वायर, फाइव एक्स वाई स्क्वायर, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एक्स वाई, ठीक है. सो ये हुआ हमारा सेकेंड नंबर. अब देखते हैं हमारा थर्ड नंबर. p को मल्टीप्लाई करना है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 से, ठीक है. सो पूरा मल्टीप्लाई करोगे p को 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है. इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है. सो सिक्स पी पी स्क्वायर या पी क्यूब, सो सिक्स पी क्यूब माइनस पी पी स्क्वायर, सो सेवन पी स्क्वायर प्लस पी फाइव मतलब फाइव पी, ठीक है. तो यहाँ आपको ये टेबल भरते जाना है. फर्स्ट का जो आंसर आया यहाँ लिखेंगे, सेकेंड का जो आया, थर्ड जो आया, ठीक है. अब फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं. सो फोर्थ फोर पी स्क्वायर को पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है. सो फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है. तो अब क्या करेंगे, इस पूरे को इसके साथ, इस पूरे को इसके साथ, ठीक है. सो फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, ठीक है. तो अब क्या करेंगे, अब देखो पी स्क्वायर है और ये पी स्क्वायर है, तो देखो टू प्लस टू फोर, सो फोर पी फोर क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सो टू प्लस टू फोर क्यू फोर, सो फोर पी फोर क्यू फोर, फोर पी फोर क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर क्यू फोर, ठीक है. सो ये हुआ आपका फोर्थ नंबर, ठीक है. फोर पी फोर क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर क्यू फोर, ठीक है. अभी फिफ्थ देखते हैं. ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए बी सी, ठीक है. सो करें ए बी सी, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, ठीक है. सो ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी की, ए बी सी के साथ, बी को करेंगे ए बी सी के साथ और सी को करेंगे ए बी सी के साथ. सो यहाँ देखो ए ए जा ए स्क्वायर बी सी प्लस बी बी जा बी स्क्वायर ए सी प्लस सी सी जा सी स्क्वायर, ठीक है. सो ए ए जा ए स्क्वायर बी सी, बी बी जा बी स्क्वायर, क्योंकि ये इसके साथ हो रहा है ना, बी का पावर वन, बी का पावर वन, तो वन प्लस वन टू हुआ ना. सो बाकी सारे तो वैसे के वैसे रहेंगे. सो ये फिफ्थ हुआ. सो ये आपको यहाँ फिफ्थ वाली ये भर देनी है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू. बच्चों आज मैंने जैसे सम्स आपको करा है, मैं वैसे के वैसे आपको होमवर्क में दे रही हूँ. आर डी शर्मा है, एक्सरसाइज 6.4. अब मैं आई होप कि आप कर पाओगे, नहीं कर पाए मतलब आपने क्लास वर्क भी ध्यान से नहीं देखा, ठीक है. सो एक्सरसाइज 6.4 आर डी में है. क्वेश्चन वन करेंगे, क्वेश्चन टू करेंगे, क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर, ठीक है. सो वन टू थ्री फोर, ठीक है. क्वेश्चन वन टू थ्री फोर करेंगे, ये चार क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. और इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 16, ठीक है. क्वेश्चन 16 फाइंड द प्रोडक्ट इवेल्यूएट इट्स वैल्यू फॉर एक्स इज इक्वल, ये भी मैंने कराया, ये एग्जाम्पल था वैसा अगर आपको याद हो तो, ठीक है. सो ये आपको होमवर्क में करने हैं. मैं होमवर्क आपको बहुत ज़्यादा देती नहीं हूँ इसलिए कि आप कर पाओ, ठीक है. काफ़ी बच्चे कर ही नहीं पाते हैं उनकी वजह से, मैं बहुत काम देती हूँ, पर प्लीज़ जो देती हूँ वो करा करो. देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ही मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, और सिक्सटीन्थ मैं आपको इन सब के आंसर्स भी दिखा देती हूँ ताकि हुए तो आपको पता लगे सही है कि नहीं. सो यहाँ इसके आंसर्स हैं,
ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। 16 कहाँ है, ये आपका 16 है, ठीक है। सो ये पांच सम्स आपको एज अ होमवर्क करने हैं, एंड डू इट एंड प्लीज व्हाट्सएप मी, ठीक है। थैंक यू।